हेलो, मैंने सुना है कि आपने यूट्यूब के ऊपर एक नया चैनल क्रिएट किया है। उस पर आपने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाली हैं, बट आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। तो सच में अगर आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं तो देखते रहिए ये वीडियो, क्योंकि आज हम इसमें बात करेंगे कि आप कैसे अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और अपने वीडियोज़ पर व्यूज़ पा सकते हैं। हेलो वेलकम, मैं हूँ तौसिफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, व्यूज़ के ऊपर। आपने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाली हैं बट आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, तो उस चीज़ को कैसे हम सॉल्व करेंगे वैसी प्रॉब्लम को, और क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं आपके चैनल के ऊपर, और इसे कैसे हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे। तो नॉर्मली किसी भी चैनल को ग्रो करने के लिए जो तीन फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, एक तो फाइंड व्यूज़ एंड देन शेयर। कोई आपकी वीडियोस तक पहुंचेगा तभी देखेगा, और जब आपकी वीडियोस को कोई देखता है तभी शेयर करेगा, है ना। तो इन चीज़ों को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, फाइंड। हम लोगों तक कैसे अपनी वीडियोस को पहुंचाएंगे, है ना। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। नंबर वन, टाइटल। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है किसी वीडियोस के लिए, टाइटल। तो सबसे पहले आप अपने वीडियोस के लिए एक बहुत अच्छा सा टाइटल सर्च कीजिए, है ना। आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टू क्रिएट, है ना। अब यहाँ पे देखिए हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट। अब जैसे हम इस पर जाते हैं, आपका जो वीडियोस है वो किसी और बारे में भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें हम हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, ये सबसे फर्स्ट आ रहा है। क्यों सबसे फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1 ईयर में इसने क्या किया है, कितने व्यूज़ पाए हैं इसने, 4,58,000 व्यूज़ यहाँ से। तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, आप यूट्यूब सर्च का यूज़ कर सकते हैं अपने टाइटल सर्च के लिए, अपने टाइटल के लिए, है ना, या फिर आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप टाइटल सर्च कीजिए, या फिर एक और चीज़ है कि आप गूगल एडवर्ड का यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा फंक्शन है। तो आप सर्च कीजिए सिंपली एडवर्ड कीवर्ड टूल, है ना। सिंपली आप एडवर्ड में जाइए, गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, सिंपली आपका जो जीमेल अकाउंट है उससे आप इसमें लॉगिन कीजिए। ये है कीवर्ड प्लानर, है ना। इसमें जाइए सर्च फॉर न्यू कीवर्ड एंड ग्रुप आइडियाज, यहाँ पे आप सर्च कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया मैक मनी, मैक मनी ऑनलाइन, है ना। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले तो इसे गेट आइडियाज, यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज, यहाँ पे देखिए सर्च मैक मनी ऑनलाइन, यहाँ पे क्या है कि एवरेज मंथली सर्चेस, यहाँ पे 1,35,000 लोग सर्च करते हैं हर महीने इस चीज़ को, मैक मनी ऑनलाइन को इतने लोग सर्च करते हैं ना। उसी तरीके से और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इसे एवरेज मंथली सर्चेस जो है इसे आप इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। एंड देन देखिए यहाँ पे 1 करोड़ लोग सिर्फ सर्च करते हैं मनी, है ना। उसके बाद हाउ टू मैक मनी 2,46,000 लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ से आप टाइटल आइडियाज़ और टैग आइडियाज़ जो है वो यहाँ से आप ले सकते हैं, गूगल सर्च एंड यूट्यूब सर्च का आप यूज़ कर सकते हैं। देन स्टेप टू, डिस्क्रिप्शन, है ना। आप अपनी वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन डालिए, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन डालिए, है ना। ये नहीं कि मैंने डिस्क्रिप्शन एरिया को हमने छोड़ दिया। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल सर्च में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे सर्च में फॉर एग्जांपल जो टाइटल है इसमें यहाँ पे तौसीफ़ नहीं है, इस टाइटल में जो है ना तौसीफ़ कहीं पे नहीं है, बट लोगों ने तौसीफ़ अगर सर्च किया, इस टाइटल में तौसीफ़ नहीं है बट इसके अगर डिस्क्रिप्शन में तौसीफ़ है, है ना। यहाँ पे देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो है वेबसाइट क्रिएट, वेबसाइट क्रिएटिंग, यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए कि यहाँ पे देखिए ये जो है ना ब्लैक कलर में थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया। क्यों, ये इस वजह से हुआ कि इसके डिस्क्रिप्शन में भी वही चीज़ है ना, डिस्क्रिप्शन में भी जो मैंने सर्च किया वो चीज़ डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा दीजिए, जैसे कि आप एक ब्लॉग लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जितनी सारी डिटेल्स होती हैं वो सारी डिटेल्स इसमें दीजिए। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, है ना,
तो एक्चुअली होता क्या है कि ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि जैसे एग्ज़ाम में मैं बैठा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जिसके आंसर्स मुझे नहीं आ रहे, बट वो क्वेश्चन ऐसा है कि उसके कुछ वर्ड्स हमें आ रहे हैं, कुछ कुछ जहन में आ रहा है कि मे बी ये हो सकता है, तो क्या क्या कि उस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ना, हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो है ना एग्ज़ाम पेपर में वो हम लोग लिख देते हैं, है ना। हम लोग क्या सभी लिखते हैं, लगभग मैं भी लिखता हूँ, मैंने भी लिखा है कि उस पॉइंट से रिलेटेड, मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है बट उस चीज़ से रिलेटेड है ना, जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी उसमें लिख देते हैं। तो बिल्कुल आप अपने डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल एग्ज़ाम शीट की तरह से इस्तेमाल कीजिए, और जितनी सारी डिटेल्स आप उस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर दे सकते हैं अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप वहां से दे सकते हैं, क्योंकि ये सर्च इंजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बताया भी कि अगर आपके टाइटल में वो वर्ड अवेलेबल नहीं है और डिस्क्रिप्शन में वो वर्ड है तो भी आपकी वीडियोस वहां पे आएंगी। एंड देन नंबर 3, थंबनेल, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है थंबनेल, आपकी वीडियोस की थंबनेल कैसी है। जैसे ये देखिए, क्योंकि जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट 3 थंबनेल आती है वहाँ पे, 3 पिक आती हैं आपके वीडियोस के लिए, है ना, तो वो वीडियोस में जो सीन्स हैं उसके अकॉर्डिंग आती हैं, तो आप उसे मत चुने, आप खुद से कस्टमाइज़ कीजिए, फोटोशॉप का यूज़ कीजिए। एंड देन जैसे देखिए यहाँ पे हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट है ना, यहाँ पे क्यों है, इस पे हम लोग नहीं जाना चाहेंगे, यहाँ पे पहले जाना चाहेंगे इनका जो है खुद से कस्टमाइज़ किया हुआ थंबनेल है यहाँ पे, हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट, है ना। उसी तरीके से देखिए, फर्स्ट चीज़ क्या होती है, अट्रैक्शन, है ना, अट्रैक्शन जो है ना, नॉर्मली आप जैसे एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, आप किसी लड़की को देखते हैं या किसी लड़के को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहली चीज़ तो होती है कि जो उसका फेस होता है कैसी लग रही है, कैसी दिख रही है ना। मैंने उस लड़की को फाइंड आउट किया बट वो कैसी दिख रही है ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे जो आपकी वीडियोस के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है आपका थंबनेल। तो आप ग्रेट थंबनेल क्रिएट कीजिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप खुद से अपना कस्टम थंबनेल आप कैसे डाल सकते हैं अपने वीडियोस में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर जो अभी आपके डिस्प्ले पे जो एक पॉपअप आ रहा होगा उस पे भी आप क्लिक करके उस वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। तो आप थर्ड चीज़ जो है वो है, आप थंबनेल क्रिएट कीजिए, बहुत अच्छा सा थंबनेल क्रिएट कीजिए, है ना, तभी लोग आपकी वीडियोस को देख के अट्रैक्ट होंगे। टाइटल सही है, डिस्क्रिप्शन सही है, बट आपने प्रॉपर थंबनेल नहीं दिया है तो वो चीज़ें थोड़ी डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं लोगों को। स्टेप 4, एनोटेशन। एनोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपकी वीडियोस के ऊपर, है ना, कि फॉर एग्जांपल आपने किसी वीडियोस में एक रेफरेंस दिया कि आप यहाँ से ये वीडियोस देख लीजिए, है ना, तो उसका एक आपने पॉपअप आपने डाल दिया कि इस वीडियोस पे अगर जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, है ना। जिसे मैं सिंपली देखता हूँ, कोई सर्च करता हूँ, मैंने फॉर एग्जाम्पल टी सीरीज़ की मूवी मैंने सॉरी टी सीरीज़ मैंने सर्च किया, एंड देन यहाँ पे हम लोग तेरे लिए एक सॉन्ग, फर्स्ट सॉन्ग जो है ना, इसको हमने पॉज किया एंड देन सबसे लास्ट में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे ट्रेलर है ना, बर्थडे बैश एंड टिप्स हो गया, पता नहीं क्या एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, एंड देन यहाँ पे सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि यहाँ पे हाईलाइटेड हो जा रहा है ना, ये एक जो लाइन दी गई है इसी चीज़ को एनोटेशंस बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप अपने वीडियोस पे डाल सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो मैंने अभी अपने वीडियोस के ऊपर जो एनोटेशन डाली हुई है उस पर आप क्लिक करके आप मेरी एनोटेशन वाली वीडियोस तक पहुंच सकते हैं और ख़ुद से एनोटेशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है वहां से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहां से मैंने ये तो हमारा ये था तेरे लिए वीडियो सॉन्ग है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे एक ट्रेलर भी दिया हुआ है, तो ट्रेलर पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए ये दूसरा विंडो ओपन होगा एंड देन उस फिल्म का जो ट्रेलर है वो ओपन होगा। तो ये देखिए ये एक नई विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे जो भी सॉन्ग्स है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ट्रेलर के नाम से एनोटेशन दिया गया है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक नया लिंक ओपन होता है। तो इस तरीके से आप एनोटेशंस डाल सकते हैं अपने वीडियोस के ऊपर। तो एनोटेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी को और दूसरी वीडियोज़ के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी वीडियोज़ पे भी आप देख रहे होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें लिंक आ जाती हो इसके ऊपर, कि नॉर्मली देखेंगे हाउ टू मेक मनी का लिंक आ जाता है, या फिर वॉच लाइव टीवी इसका लिंक आता है, कि उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो उस वीडियोज़ पे आप चले जाएंगे। तो एनोटेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप 5, शेयर।
अपने वीडियोस को आप शेयर कीजिए फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ब्लॉग क्रिएट कीजिए पर्सनली आप चैनल के अकॉर्डिंग, है ना, गूगल प्लस के ऊपर शेयर कीजिए, लिंक्डइन है, बहुत सारे चैनल्स ऐसे जहाँ पे आपने एक जो है आपने एक कम्युनिटी बनाई हुई है। एक ना फेसबुक पे फॉर एग्जांपल आपने एक पेज क्रिएट किया हुआ है, उसमें बहुत सारे लाइक्स हैं, बहुत सारे फॉलोवर्स हैं आपके, तो वहाँ पे जब आप अपनी वीडियोस को शेयर करते हैं तो व्यूज़ के चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल सकती है इस हिसाब से, है ना। तो अगर आपको कोई वीडियो अगर आपने शेयर करनी हो किसी चैनल पे, किसी लिंक पे, तो यहाँ पे देखें शेयर का ऑप्शन है ना। शेयर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल प्लस, ये जो है ब्लॉग है, एंड ये रेडिट, सिंपली यहाँ पे यहाँ से आप लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, लिंक यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, देन यहाँ से स्टार्ट ऐड। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि वीडियोज़ जो है हमारी कुछ यहाँ से स्टार्ट हो, तो वो चीज़ भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। देन जैसे आप शेयर टू फेसबुक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक पॉपअप ओपन होता है, एंड देन हमारी जो फेसबुक की लॉगिन आ जाती है वहाँ से आप शेयर कीजिए। सबसे पहले तो आप क्रिएट कंटेंट क्रिएट कीजिए, है ना, एक अच्छा सा वीडियो बनाइए, आप अपनी तरफ से 100% दीजिए। उसके बाद फर्स्ट स्टेप टाइटल क्रिएट कीजिए, आप गूगल से सर्च कीजिए, एडवर्ड की हेल्प लीजिए या फिर यूट्यूब की हेल्प लीजिए, और टाइटल एक प्रॉपर टाइटल, जितना लंबा टाइटल हो सके, ऐसे उसकी कुछ लिमिटेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको देनी होगी, बट लॉन्ग टाइटल। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को मैंने देखा कि सिंपल सा एक छोटा सा टाइटल दिया, फनी वीडियोज़। वट फनी वीडियोज़, कोई नहीं जाएगा उस पर, क्या है फनी वीडियोज़, फनी वीडियोज़ किस बारे में है, क्या है, थोड़ा सा टाइटल में उस चीज़ को डिस्क्राइब कीजिए, एंड देन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कीजिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, है ना। तो फर्स्ट चीज़ होता है टाइटल, सेकेंड डिस्क्रिप्शन, एंड थर्ड है थंबनेल, एनोटेशंस एंड शेयरिंग। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं, फाइव स्टेप्स जो हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आपकी जो वीडियोज़ है, आपकी जो चैनल है वो ग्रो करेगा, आपको व्यूज़ मिलेंगे। कम से कम इन चीज़ों को तो आप फॉलो करिए ही करिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर नहीं होंगी तो काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है आपकी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाना। लोग आपकी वीडियोस तक नहीं पहुंच पाएंगे, और पहुंच ही नहीं पाएंगे तो व्यूज़ कहाँ से मिलेंगे और आपका चैनल कैसे ग्रो होगा। तो अगर आपको इसी तरीके से और भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड मैं हमेशा कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।